आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वीर साधना आमतौर पर सुरक्षा के लिए की जाती है। हमने आपको पहले भी बताया है कि वीर की सिद्धि जो है अगर एक बार कर ली जाए तो सात पुष्ट जो है वो सुरक्षित रहता है। वीर कौन होता है? मूलभूत रूप से 52 वीर जिनको बोला जाता है वो भैरव जी के सेवक होते हैं, भैरव जी के रक्षक होते हैं। उनका काम होता है भैरव जी के आसपास पूरा छावनी बना के रहना। इनमें ही जो इनके राजा हैं उनको नरसिंह वीर कहते हैं और इनके बाकी भाई हैं। अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग तंत्र में वीरों की संख्या और वीर के नाम भिन्न भिन्न है, ठीक है। लेकिन जो 12 वीर शुरुआत के हैं नरसिंह वीर के साथ और जो पूरे 52 भाई हैं वो ही सब में घुमा फिरा करके इन वीरों का चर्चा आता है। इसके अलावा बहुत जगह पर ब्रह्मदेव या फिर जो युद्ध में जो परास्त हुए ऐसे जो योद्धा हैं इनको भी वीर मान करके पूजा किया जाता है, जो अभी भी प्रेत रूप में प्रत्यक्ष लोगों का काम कर रहे हैं। आज जिनकी मैं आपको साधना बताने वाला हूं वो भवर वीर हैं, ठीक है। भवर वीर का प्रयोजन होता है कि जहां वातावरण पूरा स्थूल पड़ा हुआ है उस जगह पर वाइब्रेशन जनरेट करना, उस जगह को जागृत करना, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि अलग अलग मान्यताओं में इनका भी अलग अलग नाम है। मैंने किसी अपने शिष्य को रक्त पिपासी वीर के बारे में बताया था तो उन्होंने किसी बंगाली तांत्रिक से पूछा तो उनको बताया अरे ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है ना। उसी तरीके से भवर वीर हैं, इनकी साधना आपको करनी है। अगर आपके व्यापार स्थल में समस्या है, अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल मातम का माहौल है और पैसा भी है, परिवार भी है, लेकिन खुशियां नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह साधना है। इसमें करना क्या है आपको, ये साधना 3 रविवार में समाप्त हो जाती है, ठीक है, और हर रविवार ही इसको करना होता है। भैरव का जैसे अष्टमूर्ति का साधना है, वो 8 सोमवार को बैठ के आपको खत्म करना होता है, वो कंटिन्यूएशन में नहीं होता। उसी तरीके से वीर की ये साधना सिर्फ 3 दिन होगी, या ऐसा बोले कि 3 रात्रि होगी और 3 रविवार कंसेक्यूटिव रविवार को होगा, ठीक है। एक बार जब आप ये 3 रविवार इसका जाप पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको जो है सिर्फ इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जो है सामग्रियां छूनी होंगी, जिससे कि जो वातावरण है वो पुनः जागृत हो जाए, व्यापार चलने लगे, घर फिर से खुशहाल हो जाए। क्या क्या आपको चाहिए होगा इसके लिए? दक्षिण दिशा में एक लकड़ी का बरजोर जिसको छोटी चौकी कहते हैं, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे, उसके ऊपर एक चौमुखी दिया रखेंगे, चौमुखी दिया में सरसों का तेल भरेंगे, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है 4 लड्डू रखेंगे, ठीक है, और 4 लड्डू रखने के बाद मतलब जो मूल दिशा है उसमें लड्डू नहीं रखेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट है तो उसमें एक लड्डू रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो मूल दिशा है जैसे दक्षिण की तरफ आप मुख करके बैठेंगे तो वहां एक बेलपत्र, उसके ऊपर एक फूल और एक सुपारी, ठीक है। फिर ईस्ट की तरफ उसी चौकी पर एक बेलपत्र, एक फूल, एक सुपारी, ऐसे 8 दिशाओं में आप रखेंगे, ठीक। भोग में जो है जो 3 रोटी का जो 3 अनाज का जो रोटी बनता है, कोई भी 3 अनाज ले लेंगे उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे और उसकी उसका जो रोटी है वो आप 5 की संख्या में हर बार चढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चढ़ाना है, इसके अलावा काला उरद जो होता है उसको एक कटोरे में करके और अपने और उस चौकी के बीच में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो कटोरे में आपने उरद रखा है ये हर रविवार को एक ही रहेगा, इसको आपको फेंकना नहीं है। आपने साधना कर लिया फिर इसको संभाल करके कहीं रख देंगे, फिर अगले रविवार को इसको निकालेंगे। इसके अलावा जितनी भी सामग्री प्रयोग हो रही है वो जो दिया है वो भी, ठीक है, उस दिए को भी जो है आप मोड़ करके और कुएं में जा करके या फिर किसी स्थिल जहां पे पानी बहता ना हो, नदी नहीं हो सकता है, वैसे जगह पे सर्वश्रेष्ठ कुआं होता है उसमें जाकर के सोमवार की सुबह में विसर्जित कर देंगे,
ठीक है? अच्छा, हर रोज आपको 10 माला जाप करना है, ठीक? और 10 माला जाप करने के बाद जो रोट आपने प्रसाद में चढ़ाया है उसका हवन कर देना है। उसी 5 रोट को आप तोड़ करके 21 बनाएंगे, ठीक है? 21 टुकड़े का आपको हवन कर देना है। इसमें समीधा कोई भी हो सकता है, घी का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना? कारण भोग नहीं देना है, ठीक? मंत्र सुनिए, मंत्र क्या है? भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर की सोह नहीं खाली जाए। भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर की सोह नहीं खाली जाए। अच्छा, इसमें आप अभी जब ये मंत्र मैं पढ़ रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ दुकान के विषय में है, लेकिन दुकान नहीं, जिस भी स्थान पर इस मंत्र का जाप और प्रयोग होगा वो स्थान स्थूल से चलंत हो जाता है, ठीक? तो आपने क्या किया कि आपने 3 सप्ताह तक जो है, जो मैंने विधान बताया, अच्छा इसमें क्या है कि आपको सात्विक भोजन करना है जिस दिन आप पूजा करेंगे। आप जब जाप करने बैठेंगे तो आप स्नान करके बैठेंगे, ठीक है? आपका जो आसन होगा वो कम्बल का आसन होगा और धोती पहन के बैठने का प्रयत्न करें, ठीक है? महिलाएं इस साधना को नहीं कर सकती हैं, महिलाओं के लिए ये साधना वर्जित है। इतना करेंगे दक्षिण दिशा में आप बैठ जाएंगे, है ना? और कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा इस मंत्र से 11 बार जाप करेंगे जिससे आपकी सुरक्षा हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पृथ्वी है उसको आप शुद्ध कर लेंगे। ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि हुम फट, इस मंत्र से जल छिड़क के अपने चारों बगल अपने आसन को सिद्ध कर लेंगे। और उसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक का जो लौ होगा वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होगा, ठीक है? उसके बाद जो विधान बताया वैसे ही होगा। उसके बाद आप इसका जाप करेंगे, जाप के बाद हवन करेंगे। जब 3 रविवार कर लेंगे तो जो आपका काला उड़द है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उस काले उड़द पे वो हाथ में लेके 21 बार फिर मंत्र जाप करेंगे और आपका घर है या व्यावसायिक स्थल है, ठीक है, जहां भी है उसके चारों तरफ इसको छींट देंगे रात्रि में। सुबह में दूसरे दिन घर में झाड़ू नहीं देंगे, ठीक है? एक दिन इसको पूरा रहने देंगे, अगले दिन सुबह में, मतलब जैसे रविवार की रात्रि में आपका जाप पूरा हो गया, ठीक है, तो रविवार की रात्रि में इसको आपने छींट दिया अपने घर में, सोमवार को घर में झाड़ू नहीं देंगे। सुबह मंगलवार को कपड़े से जो बचा हुआ है, ऐसे तो पैर में लग के या कुछ कुछ होते हुए ये पूरा हट जाता है, लेकिन अगर नहीं हटा तो कपड़े से पहले पूरा इसको पोंछ करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसको जाकर के कुएं में या किसी स्थिर जल में आप प्रवाहित कर देंगे। ध्यान रखिएगा झाड़ू मत मारिएगा इस पर, जो आने वाली उन्नति है वो झाड़ू के साथ समेट के चली जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा और टिप आप लोगों को दे दे रहा हूँ। दुकान है जिनका, जिनका व्यापार स्थल अपना है, जिनका अपना ऑफिस है, वो एक मंत्र है वो पढ़ते हुए दुकान खोलेंगे तो बहुत लाभ होता है दिन भर। श्री लूलले महाशुक्ले कमल दल निवास ने महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आवो माई करो भलाई, ना करो तो समुंदर की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खोवा मीट तो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, ठीक है? इस मंत्र को बस पढ़ लेना है और पढ़ के दुकान को खोल देना है, अत्यंत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, ये दोनों विधान कीजिए और घर और व्यापार आपका जो है दंदनाता रहेगा। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो 9431188585 पर शुल्क दे करके जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में हम आपको साधना का शुरुआती विधान, मतलब आसन बंधन, शरीर बंधन, दिशा बंधन ये सिखाते हैं, यंत्र कैसे बनाते हैं, मंत्र कैसे बोलते हैं, देवताओं को सेवा कैसे देते हैं ये सिखाते हैं। मेरा आगामी कार्यक्रम और लिंक पढ़ने के लिए www.agurutantras.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल भी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ.cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट आप फोन पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, वीर आपकी रक्षा करे और सदा आपके व्यापार और घर में वृद्धि करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। श्री आदेश आदेश अलाख आदेश।